दोस्तों, एलन मस्क, इनको परिचय की जरूरत नहीं है। ये आदमी सपने देखता है और उन्हें पूरे करता है किसी भी कीमत पर, चाहे वो सपना पृथ्वी का हो या अंतरिक्ष का। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही एलन मस्क है। एलन मस्क ने अपनी कामयाबी की ऐसी मिसाल गढ़ी है कि दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है। दुनिया को इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि एलन मस्क बचपन के दिनों में एक बहुत सामान्य सा लड़का था, अपने स्कूल के दूसरे बच्चों से पिट जाता था दोस्तों। लेकिन आज एलन मस्क अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाती है। दुनिया भर में इनकी कंपनियां जमीन के अंदर सुरंग बना रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब एलन मस्क इंसान के भेजे को मशीन से जोड़ने वाली तकनीक भी तैयार कर रहे हैं। अगर यूँ कहे कि फ्यूचर में यह आदमी आधी से ज़्यादा दुनिया को बदल देगा तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन आखिर ये एलन मस्क कौन है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है? दोस्तों, 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एलन मस्क पैदा हुए थे। इनकी माँ मॉडल थी और पिता इंजीनियर थे। एलन अपने में खोए रहने वाला बच्चा हुआ करते थे। जब ये सोचते थे तो कोई इनके पास कुछ भी बोलता रहे उन्हें सुनाई नहीं देता था, बस अपने काम में लगे रहते थे। दोस्तों, शायद यही वो वक्त था जब एलन खूब सोचते थे लेकिन जल्दी स्ट्रगल भी शुरू हो गया। कुछ दिनों में उनके माँ बाप का तलाक हो गया। एलन अपने पिता के साथ रहने लगे लेकिन वो अच्छे पिता नहीं थे। घर में उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। स्कूल में भी बच्चे उन्हें तंग करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एलन की याददाश्त बहुत तेज थी। जो देखते, सुनते और पढ़ते थे उसकी तस्वीर बन जाती थी उनके दिमाग में। यह किताबें पढ़ने की वजह से था। इसी दौरान वे कंप्यूटर के बारे में सोचने लगे। 10 साल की उम्र में कंप्यूटर कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना डाला। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। एक मैगजीन को मस्क ने यह गेम बेच दिया जिससे उन्हें $500 मिले। दोस्तों, एलन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रियां ली। इसके बाद मस्क पीएचडी करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। कुछ दिनों के बाद पीएचडी छोड़कर अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ इंटरनेट की दुनिया में आ गए। उन्होंने अपने पिता से छोटे भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बना डाली। इस कंपनी को कॉम्पेक नाम की एक कंपनी ने करीब $22 मिलियन में खरीद लिया। आज के हिसाब से यह रकम तकरीबन 161 करोड़ रुपए की होती है। इस पैसे से उन्होंने X.com नाम की कंपनी शुरू की। यही कंपनी बाद में पेपल बनी। 2002 में इस कंपनी को ईबे को बेच दिया गया। इससे उन्होंने $165 मिलियन कमाए। दुनिया को लगा कि अब इतनी कमाई के बाद मस्क रुक जाएंगे, लेकिन अब वे मंगल पर जाने की कल्पना करने लगे। वे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना चाहते थे लेकिन रूस से सस्ते रॉकेट लाने की कोशिश की, इसलिए वे रूस चले गए। लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि वे वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि कम कीमत में वो खुद ऐसे रॉकेट बना सकते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा सके। दोस्तों, इसके बाद दुनिया में एक कंपनी का उदय हुआ जिसका नाम था स्पेसएक्स। एलन का मकसद है कि इंसान सिर्फ एक ही ग्रह पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रह सके। एलन चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित न रहकर मल्टीप्लानेटरी स्पीसीज बने, यानी पृथ्वी के लोग दुनिया के दूसरे ग्रहों पर भी रहने वाली प्रजाति बन जाए। दोस्तों, इसके लिए उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च किया जो कुछ ही सेकेंड में फेल हो गया। दूसरा प्रयास 2007 और 2008 में किया गया। ये रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गए। अब स्पेसएक्स लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई। लेकिन 28 सितंबर 2008 को फेल्कन 1 रॉकेट अपने चौथे लॉन्च में सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। दोस्तों, अब एलन मस्क के पास स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी समेत कई कंपनियाँ हैं जो रॉकेट बनाती है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है और दुनिया भर के देशों की ज़मीन में सुरंग तैयार करती है। आगे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एलन मस्क क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। आई होप यू लाइक इट।
चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला घंटा भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।